नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन हर बार से इस बार गणतंत्र दिवस समारोह कुछ अलग रहेगा। कोरोना संक्रमण काल के चलते इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। पूरे देश में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार का मुख्य समारोह इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इस बार परेड में एनसीसी और एनएसएस की टुकड़ियां शामिल नहीं होंगी। संक्रमण के चलते इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में सशस्त्र बलों की टुकड़ी ही सम्मिलित होगी, जिनमें जिला पुलिस बल, ट्रैफिक होमगार्ड, एसएएफ, बीएसएफ की कुल 9 प्लाटून परेड में शामिल हो पाएंगे और परेड में शामिल होने वाले अधिकारी और जवानों को कोविड-19 के नियम का पालन करवाया जाएगा। इस बार की 26 जनवरी परेड का नेतृत्व अजीत सिंह चौहान करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम को देखने आने वाले सभी दर्शकों को भी मास्क पहनकर ही प्रवेश दिया जाएगा। इस बार की जो 26 जनवरी है वो अन्य 26 जनवरियों से थोड़ा अलग है। हर वर्ष हम लोग ये अपने एनसीसी और एनएसएस के बच्चों को भी परेड में शामिल करते थे। इस बार शासन द्वारा ये निर्देश प्राप्त हुए हैं, केवल जो फोर्स के जो जवान हैं वो परेड में शामिल होंगे। इस परेड में हमारे द्वारा बीएसएफ, एसएएफ, आरएपीटीसी, जिला पुलिस बल, ट्रैफिक, महिला बल, इनके कुल 9 प्लाटून परेड में लगाए जा रहे हैं। परेड का नेतृत्व श्री अजीत सिंह चौहान साहब करेंगे। सर, कोरोना संक्रमण है, दर्शक भी वहाँ पहुँचेंगे, किस तरीके से तैयारियाँ करेंगे? अभी जो दर्शकों की जो व्यवस्था है वो प्रशासन द्वारा की जाएंगी। रही परेड की बात, जो हमारे पुलिस जवान परेड में शामिल हो रहे हैं उन्हें प्रॉपर रूप से सैनिटाइजर और मास्क धारण करने की हिदायत दी जा रही है। सर, कितने पुलिस आरक्षक शामिल होंगे इसमें? कुल मिला के प्रत्येक प्लाटून में 24 जवान हैं, 9 प्लाटून हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड।